Rage on that beat, going crazy. Thank you.
जी कवर पेज पर हम आपको देखने वाले हैं, तो आप बताइए कि कवर पेज पर अपने आप को देखना कितना पसंद करती है दिगान भाई? कवर शूट्स हमेशा एक्साइटिंग होते हैं, दे आर नाइस एंड अभी तो फुल फेस्टिव वाइब है, सो आई एम ऑल डेक्ड अप दिवाली के लिए एंड आई यू नो कवर एक अपने आप में आई फील हर कवर का एक अपना थीम होता है, लाइक दिस वन्स फॉर फैशनिस्टा मैगजीन एंड यू नो इट्स वेरी फेस्टिव, वेरी ट्रेडिशनल, सो आई एम लाइकिंग इट। जी मज़ा आया मुझे, वैसे भी तस्वीरें खिंचवाना बहुत अच्छा लगता है, मोस्ट पीपल डू आई फील एंजॉय इट एंड जहाँ तक बात रही कवर की तो इट्स आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी बिकॉज कवर्स पे खुद को देखना इज ऑलवेज अ नाइस फीलिंग। आई एम हैप्पी दैट वी आर डूइंग दिस विद अ नाइस मैगजीन एंड सारे पिक्चर्स सुंदर हैं बिकॉज लिटरली आफ्टर एवरी टेस्ट शॉट आई एम लाइक फोटो दिखाओ यू नो एंड दे लुक रियली प्रिटी। ट्रेडिशनल कपड़े पहनना मुझे वैसे भी अच्छा लगता है एंड हम एक पर्पज़ के साथ कर रहे हैं, सो इट्स मोर फन एंड टीम बहुत अच्छी है, यू नो लाइक आई फील दैट आधा मज़ा डिपेंड करता है आपकी टीम पर, जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं एंड अगर वो प्रॉपर ना हो तो यू नो पिक्चर्स हमेशा बड़ी बोर्ड सी है, दे नॉट द बेस्ट पिक्चर्स बट देन दिस वन्स फन। मुझे फॉर सम रीज़न हाथ बांध के खड़े रहने की हैबिट है जो मैं एक्चुअली आई थिंक इनहेरेंटली पापा से अडॉप्ट की है एंड मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मैं हर पिक्चर में ना वैसे खड़ी रहूँ, बट आई थिंक आई डोंट नो अगर वो मेरा फेवरेट पोज है बट मुझे इतनी आदत हो गई है कि हर लुक में एक वैसा पिक्चर ज़रूर होता है। जी ये एक्चुअली थोड़ा सा ट्विस्ट है आउटफिट में बिकॉज एक लॉन्ग सा केप है, यू सीन बहुत लॉन्ग एंड बहुत हैवी है, लहंगा एंड चोली जैसा बेसिक होता है बट इसमें दुपट्टा नहीं है, सो आई फील इट्स ट्रेडिशनल विद अ मॉडर्न ट्विस्ट। मुझे वैसे भी हिंदुस्तानी कपड़े बहुत पसंद हैं, मैं मौके ढूंढती हूँ कि मुझे इंडियन कपड़े पहनने का मौका मिले एंड आजकल तो मैं लिटरली हर जगह आई फील कुर्ता पजामा से ज़्यादा कंफर्टेबल और कुछ नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड अभी तो इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, दिवाली है, धनतेरस है, भाई दूज है, सीरीज में फेस्टिवल्स हैं, सो आई थिंक आई विल एंजॉय वेयरिंग। ऑनेस्टली नहीं फॉलो किया, मैं इनफैक्ट कई बार ये बात कह चुकी हूँ, सलमान साहब वाले एपिसोड्स मैं देखती हूँ ऑफकोर्स, बट वो भी कई बार लाइक इट्स कभी कभी देख लिया कभी नहीं देखा टाइप्स। आई फील पर्सनली मैंने बिग बॉस जिस सीज़न में मैं गई थी उसके पहले जो इनिशियल सीजन्स थे मैंने बहुत रिलीजियसली फॉलो किए, बट उसके बाद आई फील एक बार आप उस घर में, एटलीस्ट मेरे लिए वैलिड है, एक बार उस घर में रहने के बाद मैं उसे दोबारा नहीं देख सकती, लाइक ऐसा लगता है बहुत सारी मेमोरीज़ बहुत सारी चीज़ें दिमाग में यू नो शो रील की तरफ प्ले होने लगती हैं एंड दैट जस्ट टेक्स मी ऑन अ ट्रिप, सो आई ट्राई टू अवॉइड दैट। ऑलराइट एंड दिवाली आ रही है, कैसी चल रही है अच्छी चल रही है, फैमिली के साथ लक्ष्मी पूजन तो घर पर ही होगा फॉर श्योर, उसके बाद हम बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो लेट्स सी, ये काफ़ी टाइम के बाद फैमिली वेकेशन होगी बिकॉज बहुत ही लॉन्ग लॉकडाउन रहा है, सो आई जस्ट कांट वेट टू स्टेप आउट। वैसे तो मैं शूट के लिए गई थी बाहर लेकिन फैमिली के साथ वेकेशन मोड आई थिंक दिस विल बी फर्स्ट आफ्टर दिवाली। शॉपिंग में हम एक्चुअली एक दो दिन गए थे शॉपिंग के लिए बट उसके बाद मोस्टली हर चीज़ घर पर डिलीवर हुई है, सो इट्स मोस्टली बिन फ़ोन पे देखो पिक करो का ना शॉपिंग। जी फिज़ा उसामा एंड आरजू इनकी मैगज़ीन भी है एंड इट्स नाइस कि वो खुद यहाँ पर आए हैं शूट के लिए एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दे वेरी डेडिकेटेड कि हर चीज़ को कन्वीनियंट करने की कोशिश रही है एंड दैट्स नाइस, लाइक आई सेड अच्छी एंड पॉजिटिव टीम होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे आर गुड एट व्हाट दे आर डूइंग। एंड जाते-जाते आपकी तरफ से एक दिवाली विश,
नमस्ते, मैं हूं दिगंगना सूर्यवंशी। मेरी ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।